हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीटल या भृंग बाइट के। जी हाँ, ये ऐसा जीव है जो कि ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में कमी आता है, पर ऐसे लोग जो घनी आबादी में या जंगल वाले एरिया में रहते हैं वहाँ पर ये बीटल बाइट के केसेस अक्सर हमको देखा करते हैं। अगर आप याद करें तो आपने इस तरह के जीव जंतु कीड़े मकोड़े को अवश्य देखा होगा, पर ये यदा कदा हमें दिखते हैं इसलिए हम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। पर ऐसे लोग जिनका घर जंगलों या पहाड़ों के बीच में है या बरसाती सीजन में, ये भृंग बाइट या बीटल बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को बीटल बाइट या भृंग बाइट इस तरह से हुआ है तो जहाँ वो काटता है उस एरिया में इस तरह से फफोले या रेडनेस या सूजन जैसी पड़ जाती है और उसमें बहुत तेज़ खुजली होती है। आदमी का तत्काल मन करता है उसको खुजली करना, पर उसको खुजली नहीं करना चाहिए, ये मैं वीडियो के अगले भाग में आपको बताऊंगा। तो एक चीज़ और होती है कि जहाँ पर वो काटता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वो लालपन सा हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इचिंग करने का नुकसान ये होता है कि अगर आपने उसको इचिंग की तो उसके फफोले फूट जाते हैं और आपके नाखून के बीच में वो जो उसका पानी है गंदा वो आ जाता है। फिर वो अपना नाखून जहाँ जहाँ तक आप लेकर के जाते हैं वहाँ वहाँ तक वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो धीरे धीरे फैलने लगता है। तो आपको उसमें एक लीजन दिखेगा, साथ में कई सारे लीजन भी दिख सकते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये संभवतः ये खुजली करने की वजह से हुआ है। तो आपको इस तरह से स्ट्रीक, जैसे जहाँ पे आपके नाखून के निशान ऊपर तक जाते हैं, इस तरह से स्ट्रीक्स जो है वो मल्टीपल लीजन के छोटे 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 लीजन के स्ट्रीक्स है आपको दिखने लगती है। कभी कभी ये थोड़ा सा गंदा सा फॉर्म ले लेता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल या बहुत सारे ब्लिस्टर्स एक साथ हो जाते हैं। ये ज़्यादातर गर्दन के पिछले वाले हिस्से में देखे जाते हैं क्योंकि आदमी को वहाँ खुजली होती है, वो अनजाने में ये नहीं जानता क्यों खुजली हो रही है, उसको वो खुजली कर लेता है और उसके जो उसका पानी है वो आसपास फैलने लगता है। यही पानी का फैलना जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इसको पेनफुल बना देता है और बहुत ज़्यादा खुजली करने का जो इच्छा हो आदमी को होती है जो ही अपने आप में ये नुकसानदायक होता है। ये मल्टीपल लीजन होते हैं, धीरे 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 करके अगर ये सूखते हैं ये डिसकलर कर देते हैं। जैसे आपके फेस वगैरह में इस तरह से लीजन है तो वो ब्राउन सा ब्लैक सा इस तरह से लीजन होता रहेगा जो कि अपने आप में एक बहुत ही ख़राब सा एक दिखता है। तो इसके इलाज के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले बात तो आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको इस तरह से कहीं फफोला दिखता है, रेडनेस दिखता है जो कि अचानक हो गया है आपको और आपको खुजली उसमें होती है, तो खुजली आपको भूल के भी उस एरिया में खुजली नहीं करनी है। अब खुजली नहीं करनी है और सूजन हो रही है तो आपको करना क्या है, तो आपको एक जो आइस पैक आता है, अगर आपको आइस पैक उपलब्ध नहीं है तो किसी रुमाल में 4-5 टुकड़े आइस को लेकर के आप कम से कम उस एरिया में 10 से 15 मिनट तक उसकी सेकाई कीजिए जिससे कि वो लालपन हो गया, सूजन हो गया वो कम हो जाएगी। दर्द इसमें होता है तो दर्द की कोई दवा, जैसे मैंने बताया इसमें जीरोडॉल या एसिक्लोफिनेक SP जिसमें सूजन कम करने की भी दवा होती है, वो आप दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं 3-4 दिनों तक के लिए। इसके साथ जो इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर क्रीम है वो है बेटनोवेट GM जिसमें बीटामेथासोन, जेंटामाइसिन और माइकोनाजोल होता है। इसको आप उस एरिया को पहले आइस पैक लगा लें, फिर उस एरिया में आप इसको दिन में 2 से 3 बार उस एरिया में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तक का आगे के उसके आसपास के एरिया को कवर करते आप लगाएं और कोई इसमें ड्रेसिंग करने की कोई किसी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। और बेटनोवेट के जो और फॉर्म हैं वो भी इसमें कारगर हैं। एक है बेटनोवेट विथ नियोमाइसिन के कॉम्बिनेशन में आता है, तो पहले मैंने बताया था बेटनोवेट GM और फिर ये कॉम्बिनेशन है जो कि बेटनोवेट N के नाम से आता है। इसके भी आप रखे रहिए अपने पास ट्यूब को, दिन में 2 से 3 बार लगाते रहिए, तो यही इसका इलाज है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने एक नया कॉमेडी चैनल खोला है जिसका नाम है स्टैंड अप कॉमेडी बाई डॉक्टर राजीव, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आप लोगों से ज़रूर आशा रखूँगा कि आप लोग भी इस चैनल को देखेंगे, जैसा आपने इस चैनल को प्यार दिया वैसे उस चैनल को प्यार देंगे और उसको सब्सक्राइब करें।